स्पेसिफिक नहीं कि सिर्फ इंग्लिश और ऐसे आप अलग से पढ़ेंगे वहाँ के, बिकॉज इंग्लिश तो एज यू नो हम लोग का यहाँ में इंग्लिश से एग्ज़ाम देना पड़ता है। इवन यूपीएससी देता है तो हम लोग का लैंग्वेज वो इंग्लिश ही होता है। तो और जितना सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं राइट फ्रॉम क्लास 1 to 9 10, जितना हम लोग का तो जनरल इंग्लिश ही है, मतलब मोस्टली इंग्लिश ही है। तो उसको अगर आपने अच्छा से बैकग्राउंड पढ़ा है, आपका अगर ग्रासर अच्छा है तो इंग्लिश आपका, और साथ में आप प्रिपरेशन करते हैं तो ना बहुत पढ़ना पड़ता है कि नहीं, बहुत सारा सब्जेक्ट GS 1 2 3 4, आपको ऑप्शनल्स तो और न्यूज़पेपर्स बहुत सारा पढ़ना पड़ता है। तो इंग्लिश तो वैसे आप अगर डेडिकेटेड है तो यू कैन इम्प्रूव योर इंग्लिश। तो और बाकी तो बहुत सारा स्पेशली प्राइवेट स्कूल्स का होते हैं तो उनका जो इतना इंग्लिश में इशू नहीं रहता है, लेकिन ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आप कुछ भी जाके आप स्कूल लेवल वाला या कुछ कुछ टॉपिक के बारे में लिख देगा आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो ये एग्ज़ाम ऐसा है आपका आपका एबिलिटी को टेस्ट टेस्ट करता है, आपका सिविल सर्विस जो है आपका अंदर क्या चीज़ है। और ये सबसे अच्छा टेस्ट कहाँ से होता है, आपका ऐसे से पता चलता है आपका अंदर सोच क्या है, व्हाट डू यू थिंक। आप क्या सपोज कुछ इशू दे देगा आपको, सपोज वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, तो आप उसका रिलेटेड में आप क्या सोचता है, तो उसमें आप पूरा ये इंग्लिश का एकदम जारगन बहुत टफ वर्ड यूज़ करके बताएंगे तो फायदा नहीं। तो आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका इनर अंडरस्टैंडिंग क्या है, आप क्या सोचते हैं, आप उसको कैसे इशू को टैकल करेगा, तो वो एनालिसिस करके ही आपको मार्क्स मिलता है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल लेवल में प्रैक्टिकल आपका प्रैक्टिकल एबिलिटी टेस्ट करता है। तो सपोज कल आपको ऑफिसर बन गया तो आपका कुछ इशू आ गया तो आपको कैसे सॉल्व करेगा, तो वो सब टेस्ट इसमें ऐसे में होता है ऐसे। तो इसके लिए आपको स्पेसिफिक ऐसे नहीं, आप जैसे कि मैडम ने बोला कि आपका जीएस से बहुत सारा जीएस पेपर से है, तो वो सब पढ़ने से आपके ऐसे का प्रिपरेशन हो जाता है। तो डिटेल हम बताइए कैसे करना है, उससे पहले हम थोड़ा सा ये सिविल सर्विस के बारे में थोड़ा बता देंगे। तो सिविल सर्विस बेसिकली 3 स्टेजेस में होता है। तो फर्स्ट आपका आपको मालूम है प्रिलिमिनरी है, देन मेंस है, उसके बाद आपका पर्सनैलिटी इंटरव्यू है। तो बहुत सारा लोगों को शायद मालूम होगा तो किसी को मालूम नहीं भी है। तो 3 स्टेजेस में है, फर्स्ट में आपका ऑब्जेक्टिव है, उसमें आपको स्क्रीनिंग करता है आपका, मतलब आप एलिजिबल है कि नहीं, आप मतलब आप सीरियस है कि नहीं ये एग्ज़ाम को लेके। तो आपका प्रिलिमिनरी में आपको पता चल जाता है कि कौन कैंडिडेट सीरियस है, नहीं तो आपका कितना लाखों लोग एग्ज़ाम देता है सबको तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि नहीं, जो सीरियस है वो, जो सीरियस है कि नहीं वो आपका प्रिलिमिनरी में पता चल जाएगा, आपको फेंक देगा बाहर। जो सीरियस है तो मेंस में टेस्ट करेगा, मेंस में आपको आपका पूरा एकदम एनालिटिकल एबिलिटी सब टेस्ट करेगा एकदम। तो लास्ट में जाके आपका पर्सनैलिटी को चेक करेगा कि आप फिट है कि सिविल सर्विस बनने का फिट है कि नहीं है। तो ये बेसिकली 3 स्टेजेस है। और इसमें एग्ज़ाम के बारे में आप लोग मालूम भी होगा, फिर भी हम ऐसे डाल दिया। और प्रेजेंटेशन तो सब फ्रेशर से बोलो तो हम डिटेल में जाके, तो हर सब्जेक्ट का बारे में डिटेल जाके बोलेगा तो फिर अब का फिर माथा का ऊपर से जाएगा। तो इसलिए हम सोचा थोड़ा सा इसका एग्जाम का बारे में बता देगा बोल के। तो इसमें प्रिलिमिनरी में आपका 2 पेपर है GS 1 and 2, और दोनों का मार्क्स 200 है, और आपका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन होता है 2 आवर्स। और इसमें GS 1 में ये है आपका एप्टीट्यूड इंग्लिश ये सब आता है, उसमें बहुत सारा मैडम ने बताया है कि बहुत सारा ये मैथ्स को लेके बहुत सारा फोबिया रहता है कि आपका आर्ट्स स्टूडेंट वाला नहीं कर पाएगा क्या, बहुत तकलीफ होता है बोल के। तो ये GS 1 में है। और GS 2 में आपका जनरल स्टडीज बोल के आपका डिफरेंट सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री पॉलिटिक्स, मतलब जितना भी आपका ये है सिलेबस आपको दे देना, तो उसमें आता है GS 2। और पेपर 1 जो है आपका क्वालिफाइंग है, आपको 33% मार्क्स लाना है आपको GS 1, तभी आपका GS 2 मतलब प्रीलिम्स मतलब GS 2 का पेपर इवेल्यूएशन होगा। नहीं तो आपका 32% नहीं आया तो आप आपका वैसे प्रीलिम्स में आउट हो जाएगा, आप GS 2 अच्छा करने से भी। तो इसलिए आपका GS पेपर 1 बहुत ज़रूरी है आपको अगर नेक्स्ट टेस्ट में जाना है। तो GS 2 के बारे में बताएं। और मेंस में आपका है पेपर 1 से लेके 7। तो आपका फर्स्ट तो आपका लैंग्वेज पेपर है, उसमें UPSC का बात करने से आप लोग का ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में 2 होता है दूसरा स्टेज का, लेकिन हम लोग का तो नॉर्थ का ओनली इंग्लिश है। तो इंग्लिश एक क्वालिफायर है, इसमें भी आपको 25% मार्क्स लाना होता है 300 मार्क्स में से, तभी आपका आप क्वालिफाई होगा, आपका जो पेपर है तब उसका आपका एवेल्यूएशन होगा सर।
नहीं तो आप उसमें फेल हो जाएगा, तो आप बाकी में जितना भी अच्छे सब्जेक्ट लाएगा तो ही विल नॉट बी क्वालिफाइड, ठीक है? तो ऐसा है। और उसके बाद सेकंड पेपर से आपका मार्किंग स्टार्ट होता है, आपका जितना रैंक जितना होगा, तो ये पेपर टू का बाद, पेपर वन का बाद ऐसे से लेके GS 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस 1, 2, तो ये लोग का मार्क्स जो है आपका काउंट होगा फाइनल में आपका रैंकिंग में। तो ऐसा है। तो उसके बाद ये है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली आपका मेंस में प्रीलिम्स आपको क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग के अंदर में वो क्वालिफाइंग है जो मेंस आपको ये GS 1 वाला, तो उसका प्रीलिम्स का मार्क्स काउंटिंग नहीं होता है। तो मेंस का वहाँ से आपका मार्क्स काउंटिंग होता है, उसका टोटल है आपका 7% बताया है, 1750 है टोटल मार्क्स, प्लस आपका पर्सनल इंटरव्यू नया पैटर्न वाला 275, और ग्रैंड टोटल हो जाता है आपका 2025 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है। उसके बाद हमको इंग्लिश बोला है, तो इंग्लिश तो इंग्लिश का बारे में बताओ बोला, तो हम तो इंग्लिश कुछ जानता नहीं। बेसिकली हम तो गवर्नमेंट स्कूल का है, क्लास वन से लेके प्राइवेट स्कूल का कभी दरवाजा नहीं रखा है। गवर्नमेंट स्कूल बोले से हम वालों से पूरा पढ़ा है, वालों अपना गांव से क्लास 4 तक पढ़ा है, प्राइमरी स्कूल था सरडी बोल के, आप सुना भी होगा ना गांव, तो वहाँ से फिर वालों में क्लास 8 तक पढ़ा, फिर यहाँ हायर सेकेंडरी में 12 तक पढ़ा है, उसके बाद ही हम ग्रेजुएशन के लिए बाहर गए। तो इंग्लिश बोलने से हमको पहले बहुत डर लगता था, कुछ भी समझ में नहीं आता था, और हम मेरा क्लासमेट बहुत सारा BKVs का है, प्राइवेट स्कूल्स का है, इतना अच्छा इंग्लिश बोलता है, हम लोग ऐसे देखते रहता है, वहाँ पर ये लोग तो बहुत खतरा है, तो हम लोग तो क्या करेंगे, आप बोल नहीं सकता है। सच में बताया, हम जब ग्रेजुएशन के लिए जा रहा था तो वहाँ में एक दिन पूछा है, हमको इंग्लिश नहीं जानता है, तो मतलब ऐसे दिन का मतलब फर्स्ट टाइम नोटिस का है, तो ऐसे बुला लिया, ऐसे टेस्ट किया, हमको पूछता है हाउ फ्रीक्वेंटली डू यू स्मोक बोलते हैं, तो हमको समझ में नहीं आया क्या फ्रीक्वेंटली मतलब क्या होता है, समझाए नहीं, तो हम कुछ भी जवाब नहीं दिया है। तो ऐसा ऐसे था हालत इंग्लिश का। तो ऐसा नहीं है, जो लोग जनरली आप बहुत लोग आप गवर्नमेंट स्कूल का है तो इम्प्रूव हो सकता है हर जगह में, है कि नहीं? तो आप कमज़ोर नहीं समझना खुद को, आपको लगे रहना है। तो ये है इंग्लिश पेपर आपका जनरल, ये क्वालिफाइंग पेपर, इसमें हम कोशिश किया कि कितना कितना मार्क्स होता है बोल के ऐसे ब्रीफली दिखाने के लिए। तो ऐसे होता है 100 मार्क का टोटल, 300 मार्क का ये, उसके बाद पैसेज 75 मार्क का, या तो करता ही है क्लास 10 का बाद तो शुरू हो ही जाता है, फिर प्रेसी राइटिंग 75 मार्क्स का, फिर ग्रामर 50 मार्क्स का, ऐसा करके आपका 300 मार्क्स है। तो ये है इंग्लिश का डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें सजेशन का ओर से इंग्लिश को कैसे सजेशन देगा हम, अभी एक बार में आप इंग्लिश हमको इम्प्रूव करो एक टिप्स बता बोल से तो नहीं सकेगा, ठीक है? नहीं तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। आपका सपोज आपका इंग्लिश बहुत पोअर है, असली में बहुत पोअर है, तो यू विल हैव टू वर्क ऑन इट। तो कैसे काम करेगा कि आप लोग जैसे एग्जाम प्रिपेयर करते हैं, पेपर पढ़ते हैं, हम लोग बहुत सारा बुक्स पढ़ते हैं, तो उसका आप लोग मेरा आइडिया बताएगा। फर्स्ट में हम बहुत मतलब जब इवन कॉलेज खत्म होने के बाद इंग्लिश मेरा अभी बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन उस समय तो और भी हम लिख भी अच्छा से लिख नहीं पा रहे, हम जो सोचता है वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता था। तो क्या किया है, हमको मालूम है सिविल सर्विस में अगर पास करना है तो आप तो इंग्लिश एटलीस्ट मतलब आप जो सोचते हैं वो एक्सप्रेस कर सकना चाहिए, आपको ऐसे नहीं इंग्लिश लिटरेचर लिखना है वो सब वो नहीं है, लेकिन आप जो सोचते हैं वो लिख सकना चाहिए। तो उसके लिए हम भी पेपर पढ़ना शुरू किया है, न्यूज़पेपर। उसमें से क्या होता है आपका अलग पर बहुत लोग बोलते हैं ग्रामर, ये बुक ग्रामर पढ़ लो, ये बुक ये ले लो, इसमें से पूरा डिटेल अच्छा से पढ़ो, तो हम तो ग्रामर अभी तक सच में बोल रहे ग्रामर बुक हम देखा ही नहीं अच्छा से अभी तक, जैसे से मैं आपको समझ अभी भी समझ में नहीं आता है, लेकिन जब इतना पढ़ा आपका जितना वर्ड्स नया मिलता है, एक बुक बनाया उसमें नया वर्ड्स लिख के उसका मीनिंग देखा, उसको हम सेंटेंस में बनाने की कोशिश किया है, मतलब आप कैसे यूज़ करते हैं इंग्लिश को, ऐसा करके मेरा इंग्लिश मतलब कुछ हद तक थोड़ा इम्प्रूव हो गया। तो मतलब अभी तो एक्सप्रेस कर सकते हैं हम क्या सोचते हैं कि नहीं, मतलब वेरी स्मूथली अच्छा से, और बहुत बड़ा जार्गन्स यूज़ करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ऐसा है, तो जो इंग्लिश इम्प्रूव करना चाहता है, तो आप जरूरी नहीं आप न्यूज़ पेपर ही, और आप बहुत सारा बुक आप पढ़ते हैं कॉलेज स्टूडेंट से, तो अगर आपको इंग्लिश इम्प्रूव करना है तो वोकैबुलरी बाद में फिर सर बताएगा वो इम्प्रूव करना जरूरी है आपका। जैसे जैसे आप बहुत ज़्यादा पढ़ेगा तो आपको मालूम चल जाता है कैसे कैसे सेंटेंस कैसे फॉर्मिंग होता है, आपका कहाँ क्या यूज़ होना है, तो आपका स्टडी के दौरान वो हो जाता है। तो लेकिन उसके लिए आपको डेडिकेटेडली आपको फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली न्यूज़ पेपर्स आपको रेगुलरली थोड़ा पढ़ने से अच्छा है, और जितना नया वर्ड्स मिल रहा है उसको आप समझो यूज़ करो, ठीक है? उसके बाद फिर
आप बोलेगा एग्जाम में कैसे करेगा, तो एग्जाम में तो आपका इंग्लिश तो आप बहुत सारा नोट पढ़ता है, लेकिन इसमें एग्जाम स्पेसिफिक भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसमें जितना भी है आपका, सपोज ऐसे 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 के डिटेल में बाद में बताएगा, फिर प्रेसी राइटिंग है या आपका ग्रामर है, उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि कोई लोग बहुत इंग्लिश बहुत जाने वाला लोग भी है। इवन हम ये यही के एग्ज़ाम देते समय बहुत बहुत अच्छा स्टूडेंट लोग है, बहुत मतलब इंग्लिश बहुत अच्छा लोग है, लेकिन उनका वो लोग का मार्क भी हम लोग से कम हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहता, वो लोग कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है, हम आराम से कर लेगा। लेकिन एग्ज़ाम का रिक्वायरमेंट कुछ और होता है, एग्ज़ाम में रिक्वायरमेंट क्या होता है, आपका कुछ चीज़ ढूंढता है आपके अंदर में, आप कैसे स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है ना, तो वो सब थोड़ा प्रैक्टिस ही आता है। आप प्रैक्टिस नहीं करेगा, आप कॉन्फिडेंट है हमको इंग्लिश सब कुछ आता है तो हम कुछ भी लिख देगा, हमको बड़ा बड़ा वर्ड्स यूज़ कर देगा तो हमको मार्क्स मिलेगा, ऐसे नहीं है। तो एग्ज़ाम में आपको सिंपल ही सिंपलिसिटी चाहिए कोई भी एग्ज़ाम में आपको, बस एग्जामिनर को आपको बताना है कि हम सबसे अच्छा स्टूडेंट हैं, सबसे एकदम ब्रिलियंट है, समझ सकते हैं आप जो मांग रहा वाला, ठीक है। तो वो एक्सप्रेस करने तक आपको इंग्लिश ये जरूरी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस का ज़रूरत है, जितना भी आपका पेपर्स के अंदर में। और ऐसा है ऐसे ऐसे चीज़ देखिए, अभी ये एक हम एक IAS पोर्टल से लिया है। मार्क्स जनरली क्या होता है, हम लोग का स्टूडेंट्स जो भी सिविल सर्विस प्रिपेयर करता है ऐसे को एकदम पीछे रखता है, जितना आप GS पढ़ता है उतना ऐसे नहीं पढ़ता है, ठीक है ना, ऐसे तो हो जाएगा क्योंकि ऐसे तो इजी है, ऐसा होता है। लेकिन यहाँ मार्क्स देखो आप, GS 1, 2, 3, 4 पूरा इक्वल है, ऐसे कोई नए मार्क्स है, ठीक है ना, तो हम लोग टाइम क्यों उसको उतना नहीं करता, उसका आपका सपोज GS का 20-30% टाइम दो तो आपका ऐसे का स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो आपका GS जितना फोकस करता है उतना ऐसे को भी फोकस करना जरूरी है। तो ऐसे ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी आप इंफॉर्मेशन फिलअप करने से, आप कुछ भी लिख देने से आपको मार्क्स मिलेगा बोल के, ये सिस्टमेटिक अप्रोच होना पड़ेगा ऐसे पढ़ने के लिए भी। तो इम्पोर्टेंस तो ये है आपका, और जनरली GS में क्या होता है, आप लोग का मार्क्स जो है टॉपर्स को छोड़ के GS का मार्क्स जो ऑलमोस्ट सबका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, GS 1, 2, 3 को मतलब इतना 10-15 मार्क्स 20-30 मार्क्स डिफरेंस हो जाता है, मतलब 4 कंबाइन करके। लेकिन ऐसे में किसी को 80 मिलता है, किसी को 160 मिलता है, तो ये प्रैक्टिस से आता है, तो ये डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा गैप कर देता है, तो उसको GS अच्छा ढंग से भी आपको मेकअप करने के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए आप लोग मतलब ऐसे को मत सोचो, सपोज कोई आप लोग सीरियस प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा, हमको इंग्लिश आता है, हम अच्छा से एक्सप्रेस कर सकता है, तो ऐसे हो जाएगा, नहीं पढ़ने से होगा, ऐसे मत सोचिए। तो ऐसे इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, एंड आपका मेरिट लिस्ट में आपका ऐसे का रोल बहुत ज़्यादा है। तो इवन मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा बैच में लोग है काफ़ी, ए में भी है, शीओ शूट में भी है, बाकी काफ़ी लोग का है, देखा ऐसे जो है मार्क्स काफ़ी मतलब आपका मेरिट लिस्ट में डिटरमाइन करता है। और वही ऐसे का वही हम थोड़ा पहले बताइए, इमेज से बहुत सारा ऐसे जो हम पहले से लिखते आ रहे थे, क्लास 1, क्लास 4, 5 से स्टार्ट हो जाता है, आप ऐसे हो तो गाय के बारे में लिखो, बस्ती के बारे में लिखो, तो वो सब तो लिखते ही आता है। तो आदमी का क्या होता है कि हम पहले से लिखते आ रहे हैं ऐसे, तो हम कर ही नहीं है कुछ भी नहीं, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे सोच के हम ऐसे तो हो ही जाएगा, जस्ट थोड़ा ये करने से आपको सक जाएगा बोल के, प्रिपरेशन का जरूरत टाइम देना नहीं पड़ेगा बोल के सोचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। थोड़ा पहले आपको बताया कि ये एक ऐसे जो एक सिस्टमेटिक अप्रोच का जरूरत है, क्योंकि फर्स्ट में भी हम बोला है कि आपका ऐसे का शोर से ही आपका क्या सोचता है, आपके दिमाग में क्या चलता है, वो एग्जामिनर आपको देखता है। तो ऐसे को एकदम आप लोग ये नेग्लेक्ट नहीं करना है, बाकी को जितना इम्पोर्टेंस देता है उतना ही ऐसे को भी इम्पोर्टेंस देना है, उतना नहीं होने से भी आपका टाइम भी आप सपोज 30-40% आप ऐसे को देता है तो आपका स्कोर जितना GS से इम्प्रूव होगा उससे ज़्यादा ऐसे में इम्प्रूव होगा, ठीक है। तो ऐसा है, और टिप्स का बारे में बताएगा तो देखो मैडम ने बोला कि GS का बारे में बहुत डिटेल्स बताया, तो ऐसे ऐसा चीज़ है आपको कुछ भी नहीं जानता तब भी आप लिख सकता है, ठीक है ना, आप बहुत कुछ जानता है तब भी आप लिख सकता है, लेकिन ऐसे में ऐसा जरूरत है कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसे सिस्टमेटिकली डालना है। आपका तो देखो APCS UPSC जो पढ़ने वाला के पास नॉलेज बहुत होता है, आपका GS 1 पढ़ता है, GS 2 पढ़ता है, 3 पढ़ता है, 4 पढ़ता है, ऑप्शनल्स पढ़ता है, इथिक्स ये सब पढ़ता है, तो आपका नॉलेज का कमी नहीं रहता है। तो लेकिन वो नॉलेज को आप कोई होता है कि आप कुछ भी लिख देगा, जितना इंफॉर्मेशन दिमाग में आता है लिखते जाएगा, कोई सिस्टमेटिक अप्रोच नहीं है, कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, कोई कंक्लूजन नहीं है, कोई मैन घोड़े नहीं है, आपके एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई सजेशन नहीं है आपका, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है,
आप ऐसे इंफॉर्मेशन को फ्लॉप कर देते हैं, तो वो जो आप जनरल ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे में आपको आपको दिखाना है कि व्हाट यू आर, व्हाट यू थिंक और पर्टिकुलर इशू, आपको कुछ इशू देगा, आप क्या सोचते हो उसका ऊपर में, ना कि आप इंफॉर्मेशन को फ्लॉप करना है, इंफॉर्मेशन को फ्लॉप नहीं करना है आपको, बस आपको एनालिसिस करके लिखना है। जितना भी ऐसे आप लिखते हैं, जितना भी इश्यूज आता है बहुत सारा, और इसमें लिखा है कि ये ऐसे के लिए हम स्टार्टिंग में बोला है कि इंग्लिश इंग्लिश के लिए ये न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर से आपका ऐसे बहुत सारा इम्प्रूव हो जाता है। न्यूज़पेपर स्पेशली आपका एडिटोरियल्स आता है बहुत सारा, हिंदू का है, आपका इंडियन एक्सप्रेस का है, तो वहाँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा रहता है, तो वो सबको अच्छा से ध्यान से पढ़ के आपको कैसे आपको ये लिखने के लिए आइडिया बहुत मिल जाता है। और प्लस आपको जैसे कि सिलेबस ऐसे लिखना है तो वेल स्ट्रक्चर बनाना है, तो आपको सिलेबस याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी या आपका एपीसीएस में आपको ऐसे लिखना है, मतलब आपको यूनिक डायमेंशनल नहीं होना है, आपका डाइवर्सिटी होना है, आप कितना ब्रॉड सोच सकता है वो दिखाना है आपको, और उसको एनालाइज करना है। तो ब्रॉड के लिए आपको फटक से आपके दिमाग में तो नहीं आया एग्जाम में हमको क्या क्या लिखना है, मालूम नहीं, उसके लिए आपको सिलेबस एकदम याद रहो, आपका फिंगर टिप्स में होना है ऐसे लिखने के लिए, तो आपके लिए बहुत मदद करता है इसमें। तो सपोज सिलेबस में आपका जीएस पेपर वन है, उसमें आपका हेरिटेज है, फर्स्ट टॉपिक हेरिटेज है, कल्चर है आपका, हिस्ट्री है आपका, ठीक है नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री है आपका, ज्योग्राफी है आपका, तो वो सब सोच सोच के आपको एक ही लाइन से सिस्टमेटिकली ये करना है। कोई भी इशू सपोज आप वुमेन एम्पावरमेंट का लेता है, आज वुमेन एम्पावरमेंट आज का टॉपिक नहीं है, ठीक है नहीं, ये वर्षों से चलते आया है, आपका वैदिक पीरियड का देखो, पोस्ट वैदिक पीरियड का देखो, वुमेन का ये क्या था स्टेटस, क्या था उस समय आपका, ये बुद्धिज्म जैनिज्म का समय में क्या क्या बात करता है, इक्वालिटी का बात करता है आपका, ये क्या बोलता है भक्ति सुखी मूवमेंट हुआ है मेडिकल पीरियड में, उसमें क्या क्यों आपका इक्वालिटी का बात करता है, एससी एसटी सब ये अलग करके। और पास हम लोग का ये रेनेसांस आता है इंडिया का 1850s के तरफ में, राम मोहन रॉय का नाम सुना होगा, विवेकानंद का नाम सुना होगा, रामकृष्ण का नाम सुना होगा, तो वो लोग ने भी बहुत कुछ बोला है ये सब को लेके। तो आपको हिस्ट्री को निकलना पड़ेगा, सबसे पहले हिस्ट्री को निकाल के आपको देखना है कि कल्चर में क्या है, हम लोग कल्चर में कुछ इशू है क्या है वुमेन को लेकर, क्या कल्चर सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो वो पकड़ना है। उसके बाद आपका बोलेगा ज्योग्राफी और वुमेन एम्पावरमेंट क्या कुछ रिलेटेड नहीं है, कैसे करेगा, ऐसा नहीं है, ज्योग्राफी मतलब ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखना है, नॉर्थ ईस्ट का अलग है वुमेन का स्टेटस, आपका बिहार का अलग है, यूपी का अलग है, साउथ इंडिया का अलग है, तो वो सब करके आपका डाइवर्सिटी होता है। तो ऐसा करके सेकंड पेपर में, सेकंड पेपर का सिलेबस देखा आपका पॉलिटी है, पॉलिटी में आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका गवर्नेंस है, वेलफेयर स्कीम्स है, तो वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत सारा चीज़ें उसमें दिया हुआ है, आपका लॉ लॉ में है, आपका फंडामेंटल राइट्स में है इक्वालिटी का, वो सब आपको रिफ्लेक्ट करना है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कीम्स है, बहुत सारा गवर्नमेंट स्कीम होता है कि वुमेन को कैसे ये करना है, एम्पावर करना है बोल के, तो वो सब पढ़ना है। फिर नेक्स्ट पेपर आपको याद करना है आपका ज्योग्राफी, इकोनॉमिक इकोनॉमिक इकोनॉमी से भी बहुत प्रॉब्लम होता है कि नहीं, वुमेन का इकोनॉमिक स्टेटस कम है, क्यों कम है, कहाँ कम है, कैसे इम्प्रूव करना है, ऐसे करके आप टेक्नोलॉजी का भी बात कर सकते हैं, आपका आज का दिन में टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है वुमेन एम्पावरमेंट, उससे वुमेन को फायदा हो रहा है या ये हो रही ख़राब हो रहा है, तो वो सब आपको डिटेल जाके लास्ट में एथिक्स है या आपको ऑप्शन भी डाल सकता है। तो ऐसा करके आपका ऐसे का स्ट्रक्चर बना सकता है, तो आप सीधा एग्जाम में जाएगा, आपका पास इंफॉर्मेशन बहुत जी एस से लगे ऑफिस में बहुत सारा है, लेकिन आपको स्ट्रक्चर नहीं आता है तो आपका मार्क्स कटेगा। तो सिस्टमेटिक अप्रोच ये कॉम्प्रेंसिव ऐसे लिखने के लिए आपको यही मेरा एक्सपीरियंस तो यही कि हम सिलेबस को हमको मालूम है फिंगर टिप्स में क्या 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 है, वो सिलेबस को रेफरेंस लेके हमने क्या पढ़ा है, तो उसके हिसाब से आप ऐसे लिखेंगे तो आपका कंटेम्प्रेरी भी होगा, आपका उसको लेके आप एनालिसिस करना है, तो ये है आपका ऐसे। और ऐसे जनरली बहुत सारा आजकल का इसमें फिलोसॉफिकल ऐसे टॉपिक देता है एग्जाम में, तो उसमें आप फिलोसॉफिकल ऐसे नहीं लिखना है, आपको प्रैक्टिकल लिखना, आपका प्रैक्टिकल में क्या प्रॉब्लम है, आप फिलोसॉफिकल लिखेंगे क्योंकि आपको कहीं आसमान में जाकर के पोस्टिंग नहीं देगा, आपको सोसाइटी में रहना है कि नहीं, तो सोसाइटी का इशू को आपको एड्रेस करना है, तो सोसाइटी के जितना इशू है, सोशल इशू, इकोनॉमिक इशू, पॉलिटिकल इशू जितना है उसमें कोई इवन फिलोसॉफिकल टॉपिक होने से भी आपको आपका रियल लाइफ से रिलेट करके आपको ऐसे को लिखना पड़ेगा। और एक चीज आपका ऐसे आज का दिन में देखो, कोई भी जी एस पेपर हो या ऐसे पेपर आपका कंप्लीटली करंट अफेयर जैसे आज का आपका नया पैटर्न में आपको बोलने से इवन 100% बोलने से बहुत करंट अफेयर जैसे आप बोलेगा कि पेपर वन में तो करंट अफेयर आने का चांसेस कम है,
हिस्ट्री है, पॉलिटिकल ये है, कल्चर है, तो करंट अफेयर कैसे आएगा इसमें? देखो अभी आज आप लोग सुन रहा होगा कि रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है कि नहीं, कितना दिन से रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन में, तो इसको लेके आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना? आपका रशिया आज का दिन में अचानक सपना में आया पुतिन को अटैक कर देगा, ऐसा नहीं है, उसका हिस्ट्री है, ठीक है ना? रशियन रिवोल्यूशन से लेके आपका लेनिन ने क्या हुआ, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कोल्ड वॉर हुआ, नेटो फॉर्म हुआ, वर्सो पैक्ट फॉर्म हुआ, उसके बाद आपका 1991 में यूएसए से डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके बाद कुछ साल बाद पुतिन आया, पुतिन के दिमाग में वो सब पूरा है ना, तो आपका अचानक ऐसे कुछ नहीं होता, आपका फर्क आपको करंट अफेयर से लेके आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन बन रहा है आज का दिन में, तो आपको पूछ सकता है आपका यूक्रेन का हिस्ट्री क्या है, आपका रशिया क्यों क्या इंटरेस्ट है रशिया को यूक्रेन को अटैक करने के लिए, तो दिस आर द करंट अफेयर क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड फ्रॉम द हिस्ट्री। तो ऐसे में करंट अफेयर को आप लोग ये इग्नोर नहीं करना है, और इसी से आपका जितना जीएस पेपर है आपका उसमें से आता है, विभिन्न ऑप्शनल का भी आपका करंट अफेयर का करंट हर दिन कुछ ना कुछ तो इवन होता ही, आपका ज्योग्राफी का इवन होता है, कभी साइक्लोन होता है, कभी सुनामी आ जाता है, वो सबसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है, और अभी हिस्ट्री का भी बहुत सारा इवेंट होता है हम लोग का, इसी इवेंट को लेकर देखो अभी इंडियन गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है, आपका एकदम न्यूट्रल स्टैंड क्या है आपका यूक्रेन को लेकर, रशिया ने कंडम नहीं किया है, तो हिस्ट्री को पीछे जाके देखो नाम क्या था, नॉन अलाइन मूवमेंट नेहरू जी स्टार्ट किया है कि नहीं, तो उससे इतना बहुत डिफरेंट नहीं है ना आज का इंडिया का पोजिशन, उससे उसका पोजिशन अब किसी ब्लॉक का साथ हम साथ नहीं देगा, हम अपना इंडिपेंडेंट पीस के लिए ये करेगा, तो आज का पोजिशन वही है इंडिया का, लेकिन इसलिए आपका ये सब कोई भी इशू को आप जस्ट जो आता है उसी को नहीं है, उसको थोड़ा सा एनालाइज करना है पीछे का, आपका पीछे में क्या था, कैसे आपका हिस्ट्री अनफोल्ड हो रहा है, कैसे आगे हो सकता है, क्या स्टेप्स हो सकता है, वो सब एनालाइज करने से आपका आपका कॉम्प्रहेंसिव कोई भी आंसर हो, कोई ऐसे हो आपका जीएस हो जितना भी है आपका कॉम्प्रहेंसिव आंसर बनेगा, और ये है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ करंट अफेयर। करंट अफेयर को आप लोग मत बोलो, सपना में भी आप याद करके सो, ठीक है ना? अगर आप सीरियस है तो कि ये सब कुछ आप करंट अफेयर बेस ही आज के दिन में जितना भी इश्यूज आप करंट अफेयर से पड़ेगा, और जब ऐसे का बारे में आता है तो और एक चीज़ याद रखो, आपका स्ट्रक्चर तो अच्छा होना ही है, इसमें आपका ये कंटेम्प्रेरी जितना भी सपोज थोड़ा पहले हम बोला है वुमेन एम्पावरमेंट का बारे में बोला, उसका कुछ आपके पास कुछ ये है क्या, कुछ डेटा जो आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे इंडिया का वुमेन का स्टेटस बोलेगा तो आपका जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, तो उसको एक्सप्रेस करो, इंडिया का कितना बहुत पीछे है, उसका अंदर में क्या चीज़ में पीछे है, तो वो सब एक्सप्रेस करके आप बहुत अच्छा आप ऐसे लिख सकते हैं। सेम आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, तो इंडिया का डेवलपमेंट इसका बारे में बताता है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में वो सब बताता है, आज का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत बताता है, तो वो सब आप लोग एकदम वो सब ध्यान में रह के पढ़ना है, तो ऐसा। और ये है आप जितना भी पढ़ता है ना, सबसे पहले तो वैसे मैडम बोला है कि सिलेबस याद रहना है, कोई भी टॉपिक लेता है आप, सपोज आप न्यूज़पेपर उठा लिया, न्यूज़पेपर पढ़ के आपको एक टॉपिक मिल गया, सपोज कोई भी टॉपिक मिल गया या रशिया का टॉपिक मिल गया, उसमें आप पढ़ते समय आपको दिमाग में स्ट्रोक होना चाहिए कि ये कौन सा पेपर वन का टॉपिक नंबर टू से मेरा सिलेबस से रिलेट है, तो ऐसे करके रिलेट करके पढ़ो। ज्योग्राफी का बहुत सारा इवेंट होता है, पॉलिटिकल न्यूज़ बहुत आता है, तो कहाँ से आपसे रिलेट है उसी हिसाब से रिलेट कर करके आप सिलेबस स्पेसिफिक पढ़ना है, और सपोज आपको कुछ इशू आ गया उसमें कोई सिलेबस से मतलब ही नहीं मत पढ़ो, है कि नहीं? तो ऐसा करके आप रिलेट करके पढ़ेगा तो आपके लिए इजी होगा, प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत 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 ये मदद मिलेगा। तो ऐसा पढ़ना चाहते थे ऐसे का, तो हम सोच रहे कल ये रिजल्ट बोला कि ऐसे का बने होता, हम सोचे पूरा स्ट्रक्चर बताना है पूरा, तो अभी तो हम स्ट्रक्चर बताते भी फायदा नहीं है कि नहीं, आप लोग फ्रेशर से तो फर्स्ट टाइम प्रेफरेंस करने वाला है, उसके लिए मेरा एडवाइस तो यही रहेगा कि आप सिलेबस को अच्छा से याद करो और न्यूज़पेपर को एकदम ध्यान से पढ़ो न्यूज़पेपर, और ये प्रैक्टिस अगर आपको सपोज ऐसे आप स्टार्टिंग में सीधा नहीं पढ़ेंगे, सीधा ऐसे लिखना शुरू नहीं करना है आपको, आप सपोज प्रिपरेशन कर रहा है एक दो महीना हो गया, कुछ नॉलेज आ गया, एनसीईआरटी आपने पढ़ लिया, आपने करंट अफेयर काफ़ी कुछ पढ़ लिया, समझ में आ गया, तब आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर सकता है,
और ऐसे लिखने के लिए एक बहुत अच्छा एक पोर्टल है इंसर्ट आईएएस बोल के, वीकली ऐसे देता है, वहाँ में वीकली आपको एक टॉपिक दे देगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देगा, उसमें बहुत लोग लिखते हैं उसमें, तो आप भी लिख के अपलोड कर देना है वहाँ में। इवन कैंडिडेट लोग आपस में चेक करता है कि आपने कैसे ऐसे लिखा है आपस में, तो ये अच्छा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ में आप जितना भी वीकली अपना ऐसे को रिव्यू कर सकता है, दूसरा लोग आपको रिव्यू करेगा, दूसरा का ऐसे आपको पढ़ने मिलेगा, तो ये एक अच्छा ये है। ऐसा करके प्रैक्टिस करें, वीकली आप एक ऐसे लिखते हैं तो आपका एग्जाम में लिखेगा तो हम तो एश्योर करता है आपका ऐसे तो बहुत अच्छा होगा, आपका स्कोर बहुत अच्छा होगा ऐसे में।